अभी एक साइंटिस्ट है, उनका ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक दो दिन के अंदर इस जगह पर आज नहीं तो कल एक बड़ा 7.5 की तीव्रता का भूकंप करीब करीब ये अपेक्षित है, उन्होंने ये कहा था। क्या ये उस तरह की घटना है सर कि उन्होंने कहा और इस बार हो गया इसलिए ये वायरल हो रहा है? अमूमन इस तरीके के एंटीसिपेशंस होते हैं या ये बहुत एक्यूरेट है और पॉसिबल है? देखिए हुआ क्या होगा, उन्होंने क्या किया होगा कि भूकंप आने के पहले कुछ कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कुछ माइक्रो अर्थक्वेक जो स्ट्रेन बनता है और स्ट्रेन होता है जब जमा होते जाता है, तो जो रॉक्स होते हैं, चट्टाने होती हैं, डिफॉर्म कर जाती हैं उस स्थान पर, मतलब विरूपित हो जाती हैं। तीसरा इंडिकेशन है जब ऐसा होता है तो उस स्थान पर अबनॉर्मल हीट फ्लो भी होने लगता है, कहीं ना कहीं पर जो पृथ्वी की गर्मी है वो बाहर निकलने लगती है। उन्होंने इन सब चुकी वो रिसर्च कर रहे थे और इस क्षेत्र के ऊपर में कर रहे थे, अजरबैजान, आर्मेनिया, सीरिया, तुर्किस्तान, ये सारे स्थान पर कर रहे थे, टर्की में भी कर रहे थे, तो इस पूरे प्लेट पर कॉकेशस रीजन में कर रहे थे। तो पूरे कॉकेशस रीजन में उन्होंने महसूस किया होगा और तब कहा होगा अपनी चट्टानें के कारण अपने राइट। और ये पता चल रहा है सर कि ये जो बड़े तीव्रता के आफ्टर शॉक्स आए हैं इनको और छोटे तीव्रता के जो आफ्टर शॉक्स हैं उनको कुल मिला लिया जाए तो अभी तक 66 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं सर, 66 आफ्टर शॉक्स रजिस्टर किए जा चुके हैं। आपके पास लौटता हूं मैं सर, खबर का ये एंगल भी देखिए जरा। तुर्की में आए भूकंप का खौफनाक वीडियो सामने आया है, 5 सेकंड के भीतर भरभरा कर गिर गई बहुमंजिला इमारत। सान लुरफा शहर में बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई। सान लुरफा भूकंप के केंद्र से 245 किलोमीटर दूर, पांच सेकंड में यह इमारत जमींदोज हो गई। सान लुरफा इस जगह का नाम। सान लुरफा में भूकंप से भीषण तबाही की तस्वीरें, ताश के पत्तों की तरह इस इमारत का नीचे गिरना। सिस्मिक जोन्स में जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके फुल प्रूफ होने के बारे में भी एक सवाल उठाती है। अगली अहम खबर देखिए, तुर्की के दियारबाकिर में भी भूकंप से जबरदस्त तबाही। भूकंप के झटकों से दियारबाकिर में बहुमंजिला इमारत जमींदोज, पलक झपकते ही भरभराकर गिरी पूरी की पूरी इमारत। अब ये सान लुरफा के बाद आप दियारबाकिर की तस्वीरें देख रहे हैं, पूरे टर्की पर इसका असर हुआ है, टर्की सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। 1114 मौतें अभी तक यहां रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, वैसे कुल 1600 मौतें कई और देशों को मिलाकर रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन यहां पर देखिए 1114 उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो टर्की है और टर्की में अलग अलग जगह। सान लुरफा के बाद ये दियारबाकिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां भी देखिए इस इमारत का क्या हुआ है। और जैसा कि सिद्धार्थ सर बता रहे थे कि इस जगह का निर्माण ही असल में भूकंप की तरह की जो भूगर्भीय घटनाएं हैं उनकी वजह से हुआ है, लेकिन अब क्या माना जाए, इसको किस तरीके से देखा जाए, क्या पहले से जो राइटिंग ऑन द वॉल थी उसको समझने में क्या इस जगह पर रहने वाले लोगों ने और यहाँ के हुक्मरानों ने उसको भापा नहीं, देखा नहीं, या असल में ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।